बहुत ही स्पष्ट किया गया है कि जो सीलिंग की कार्रवाई करनी है वो केवल हॉटस्पॉट जो डिस्ट्रिक्ट में चिन्हित हो रहे हैं केवल उनकी सीलिंग होनी है। हॉटस्पॉट उनको कहते हैं जहाँ पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, और पॉजिटिव केसेस जहाँ पाए गए उनके घर और मोहल्ले को पूरा इंक्लूड करके जहाँ जहाँ वो व्यक्ति घूमे हों या रहे हों या जहाँ जहाँ उनका इफेक्ट रहा हो उस पूरे एरिया को चिन्हित किया जाना है, उसको हॉटस्पॉट बोला जाएगा। उस हॉटस्पॉट एरिया की पूरी सीलिंग की जाएगी, इनको बांस बंदी बैरिकेडिंग लगा के बंद किया जाएगा। तीन तीन शिफ्ट में इसमें मजिस्ट्रेट पुलिस की ड्यूटी लगेगी, ड्रोन से इसकी निगरानी की जाएगी। इस सारे हॉटस्पॉट को ही सील किया जाना है, इसी के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं। वाराणसी में 4 दिन पहले से ही हॉटस्पॉट सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक टोटल 6 हॉटस्पॉट वाराणसी में सामने आ चुके थे। आपको याद हो तो 2 केसेस गाँव में पाए गए थे, एक थाना बड़ागांव में और एक थाना हमारा शिवपुर था, जिसमें 2 ग्रामीण एरिया में पहले हमने हॉटस्पॉट चिन्हित किए थे, उनको लॉक किया गया था, उनको सील किया गया था। इसके बाद 4 एरिया और जुड़े थे उसमें, जिसमें मदनपुरा का क्षेत्र है, बदरडीहा का क्षेत्र है, लोहता का है और गंगापुर का है। इनमें से 2 जो ओल्डेस्ट केसेस थे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, उसके जो सैंपल थे वो नेगेटिव हो गए थे, वो लोग ठीक हो गए थे। उन एरिया की स्क्रीनिंग करने के बाद अन्य किसी को पॉजिटिव और नहीं मिला था, और इसके बाद उन एरियाज को खोल दिया गया था। अब वर्तमान में 4 हॉटस्पॉट हमारे सील्ड हैं और उन हॉटस्पॉट्स को हम लोग पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ पे बाकायदा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है। इन्हीं को बाद में अगर पॉजिटिव केसेस और वाराणसी में बढ़ते हैं तो उनके साथ साथ नए नए हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित किए जाएंगे। और उस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो लॉकडाउन की व्यवस्था वाराणसी में है केवल वही व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का एडिशन डिलीशन नहीं किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस मिलेंगे वहाँ वहाँ पॉजिटिव केसेस के हॉटस्पॉट चिन्हित करके उन हॉटस्पॉट की सीलिंग करवाई जाएगी। जैसे 4 एरिया हमारे सील हैं, उसी तरह नए नए एरिया अगर सामने आते हैं तो उनको सील कराया जाएगा। लेकिन इसेंशियल सर्विसेज जो हैं, मार्केट खुलना है, मंडियां खुलनी हैं, रिटेल की दुकानों के टाइमिंग है, बैंक के टाइमिंग है, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दवाई की दुकानें, उनकी टाइमिंग सबकी यथावत रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। हॉटस्पॉट वाले एरियाज़ में इन सबको बंद किया जाएगा। हॉटस्पॉट वाले एरिया में केवल 1-1 घंटे की सुबह शाम ढील दी जाएगी, उसी दौरान सब्जी दूध या राशन की सामग्री अंदर जाएगी और 1 घंटे के बाद बाहर निकल आएगी। इन हॉटस्पॉट के अलावा बाकी पूरा 99% शहर जिसमें शामिल है उसकी व्यवस्था में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। बॉर्डर के बारे में जो निर्णय है वो लॉकडाउन की अवधि तक ही है। अगर लॉकडाउन की अवधि वाराणसी में बढ़ेगी शासन के द्वारा या लोकल कंसल्टेशन के बाद तो वो उस समय जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में 14 तारीख तक गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन घोषित है, 14 तारीख तक सारी व्यवस्था है, लेकिन अगर बाद में भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो उसी अवधि तक बढ़ेगा, उसकी जानकारी समय से दी जाएगी। बाकी जो लॉकडाउन के दौरान नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर सीलिंग है केवल उतनी ही चलेगी। जो अत्यंत आवश्यक सामग्री के ट्रक हैं, मटेरियल की चीज़ें हैं, दूध की गाड़ियाँ हैं, सब्जी की गाड़ियाँ हैं जो आसपास के ज़िलों से आती हैं, या फार्मर्स की मशीनें हैं, उन सब का आवागमन चालू रहेगा, या विशेष पास के माध्यम से जो लोग आते जाते हैं उनका आवागमन चालू रहेगा। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।